इमोशनल सीन थी सीने थी जब मतलब किसान फांसी लगा रहे थे, मतलब रोने लगा था, मतलब नहीं पूछो यार मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आपको पता है नर्मदा जी, इस गाने के ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकंड है तो गाना खत्म। यार जब आगरा आ ही चुके हैं, पूरा काम लिया जाए, हमने कहा चलो आज मूवी देखते चल गया यार, जो पठान मूवी, सॉरी जवान मूवी आई है, जवान मूवी आई है ना, तो हम लोगों ने सोचा चलो ताजमहल तो घूम लिया, आपने वीडियो देखा अच्छा लगा ना, अच्छा लगा तो यार बताओ बहुत अच्छा। हाँ चल रहे हैं बस जवान टाकीज है, कौन सी टाकीज है, सीरीज। तो हम और बोला और ये इनका तीन लोग जा रहे हैं, मतलब तो भाइयों यार अभी आ चुके हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं यार इसको, थिएटर कहते हैं, बॉक्स ऑफिस, मतलब अगर हिंदी में कहें तो सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल में आ चुके हैं और हम लोगों ने टिकट भी ले ली है, देख रहे हैं ये टिकट है, 3:15 बजे से स्टार्ट होगी, तो हम लोग 3 लोग देखने वाले हैं। आप कहोगे यार कि कानपुर छोड़ के मतलब आगरा देखने गए हो मतलब मूवी, तो ऐसा नहीं है यार, मतलब आए हैं तो हमने कहा यहाँ देख लेते हैं, कभी इससे पहले कभी नहीं गए यार। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यार, जो जवान मूवी का है टाइटल दिखाता हूँ, देख रहे हैं आपको, बाइक कैमरा दिखाता हूँ, तो देख रहे हैं भाई ये जवान मूवी का टाइटल इधर लगा हुआ है। 7 सितंबर को स्टार्ट हुई थी, आज हम 20 सितंबर हो गया है, मतलब 13 दिन बाद देख रहे हैं यार, फिर भी भीड़ लगी पड़ी है, मतलब अभी तो भाई यार अभी अंदर मतलब लगी हुई है दूसरी फिल्म, अभी वहाँ से खोला नहीं है, खोलेगा ना देखेंगे। तो हम लोग यार वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, और यहाँ ना अच्छा है ना बाहर फिर है, यहाँ कम से कम धूप तो नहीं लग रही है यार, बाहर तो बहुत गर्मी रहा है, तो ठीक है यार देखो अंदर चलते हैं, वीडियो बना देंगे कि नहीं देंगे। क्या हुआ भाई, 16, 17, 18 मेरा है, उधर से जा यार, इसी में उधर किनारे पर यार, जूते तो खोल के तो बैठ गए आराम से, मतलब यार अभी मेला है, देख रहे हैं सब अपनी सीटें ढूंढते घूम रहे हैं, देख रहे हैं तो ठीक है भाई, देख ले फिर बताएंगे कैसा लगा, अच्छा लगा। इंडिया का एक गाना सुनाइए ना, अरे चला चला कैसे मूड खराब हो गया, सुनाइए ना वो बेकरार वाला, बोलिए सुना दीजिए प्लीज, बेकरार करके हमें यूं ना जाए। आपको पता है नर्मदा जी, इस गाने के ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकंड है तो गाना खत्म। तो भाइयों यार मूवी तो देख ली थी और यार शाम हो गई थी, मतलब इतनी शाम हो गई थी, रात के 8-9 बज गए तो वहाँ से आए फिर सो गए, फिर सुबह उठे यार, तो अब जाके थोड़ा नहा धो के यार आए हैं। लेकिन यार अगर मूवी की बात करूँ तो यार कसम से दिल जीत लिया यार मूवी ने, वही बोलते जवान यार, कसम से मज़ा आ गया यार। ये मूवी ना योगी जी को मोदी जी को भी देखनी चाहिए यार, मतलब स्टार्ट हुई ना तब मैं सोच रहा था कि यार शाहरुख खान लग रहा है इसमें विलन है, जब पता उसने किसको मेट्रो को, हाँ मेट्रो को जब हाईजेक किया ना तो यही लगा कि यार ये तो विलन है, लेकिन नहीं यार सीन मुझे देख के उसमें से बड़ी इमोशनल सीने थी जब मतलब किसान फांसी लगा रहे थे, मतलब जब उसकी नहीं किसान की बेटी जब मतलब एग्जाम देने जाती है, तो यार मुझे बहुत इमोशनल लगा यार वहाँ पे, तो मैं यार रोने लगा था, मतलब नहीं पूछो यार मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, मतलब मेरे जो बगल में बैठे थे कह रहे यार क्या यार रोहित भाई, तो यार बहुत इमोशनल था। और एक जगह और मैं रोने लगा था यार, जहाँ पे मतलब फांसी दी जाती है विक्रम राठौर जो है पत्नी दीपिका पादुकोण को, तो यार मुझे वहाँ भी वो रोना आ गया था, मतलब तो यार गजब की मूवी यार मतलब बनाई है यार। सही बात है यार कि आजकल लोग बस वोट के लिए मतलब वोट तो दे देते हैं, लेकिन उसके जवाब नहीं पूछते हैं कि हमारे लिए अगले 5 साल में आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, लोग बस जाते हैं बस यही उंगली बस ठोक देते। तो यार मेरा भी पर्सनल मानना है कि जब भी आप वोट करें, जब भी इस उंगली का प्रयोग करें वोट डालने में, तो एक बार जरूर उस पर उंगली उठाएं कि आप हमारे लिए 5 साल क्या करने वाले हो यार। यार वो भी सीन बहुत अच्छी थी जिसमें मतलब ईवीएम को मतलब शाहरुख खान ने मतलब सारी चुरा के अपने पास रख ली थी, और फिर गवर्नमेंट से कहा था कि गवर्नमेंट के पास लिस्ट भेजी कि मतलब इतनी कंपनियों को बंद किया जाए ताकि ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं, तो यार वो भी सीन गजब की थी, मतलब यार गवर्नमेंट भी चक्कर में पड़ गई थी यार कि क्या करें, अगर ईवीएम मशीन नहीं होगी तो वोट की वोटिंग कैसे होगी, तो ये भी सीन एकदम गजब की थी यार, मतलब मस्त थी, और कसम से मज़ा आ गया यार दोस्त। अगर
ना अगर थिएटर में जा सको तो यार आप फोन पे भी देख सकते हैं, प्रीमियम कटेगा 40-50 रुपए, और 40-50 रुपए उसमें भी पड़े थे यार, 40 रुपए का टिकट था। मतलब लोग ये होता है कि यार थिएटर में पता है अगर आप आगे बैठोगे तो मतलब कम पैसे लगेंगे, पीछे बैठोगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, ये होता है मतलब। तो बहुत गजब का मूवी था यार, मतलब उसमें दिखाया गया था कि कैसे कैसे किसान लोग हत्याएं कर मतलब अपनी आत्महत्या करते हैं, कैसे बैंक्स बड़े बड़े लोगों के लोन माफ़ कर देती है लेकिन एक गरीब इंसान है जब उठा लेता है लोन तो बड़ी यार दिक्कत में पड़ जाता है, उस पर 12% का इंटरेस्ट लगाते हैं, और कोई अगर मर्सिडीज़ वगैरह लेते हैं तो उस पर 8% का इंटरेस्ट लगाते हैं। तो यार बहुत अच्छी मूवी है कसम से, आजकल देश में यही चल रहा है, बस इसी को मुझे अच्छा लगा यही देख के कि यार कम से कम एक बंदे ने इसके बारे में चलो एक पिक्चर में कहा तो सब, मैं कनेक्ट करके मतलब अपने से और अपने गांव के लोगों से तो यार आंसू आ गए थे, मतलब सच में यार यही चल रहा है। और पता भाई यार मतलब मैंने पूरी मूवी में एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि इतनी अच्छी मूवी थी, मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्टर इतने सारे खो गए कि उन्होंने पूरी मूवी में कहीं कोई खाना पीना नहीं किया यार, मत सच में यार, मतलब आप देखेंगे ना कोई लंच नहीं, मतलब कहीं भी खाने पीने का कोई सीन ही नहीं है यार, मतलब गजब की है। आई सल्यूट यू यार, ऐसी मूवी बनाया करो यार, मतलब लोगों को आंखें खुलनी चाहिए यार, सच में लव यू यार। तो ठीक है भाइयों यार, और अभी तो हम देख रहे हैं आप पीछे, अभी हम आगरा में ही हैं और एक दो दिन और रहेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपको दिखाएंगे। तो ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय जवान जय जवान जय किसान। यस यार कसम से मूवी एक नंबर है यार, अगर मेरे से कोई पूछे कि एक से कितने नंबर से दोगे तो 1 से 100 तक उसी को नंबर देंगे, मतलब एकदम गुड मूवी यार, मतलब मज़ा आ गया, एकदम दिमाग फ्रेश हो गया, मतलब यार कुछ कहने के लिए नहीं यार।